हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है आप सभी के लिए, बीएससी फिजिक्स का। बीएससी फिजिक्स में हमारा, मैंने आपके लिए एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैं यूनिट बाय यूनिट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये सेमेस्टर वन का वीडियो है और आज मैं आपको यूनिट नंबर टू के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताऊंगा। सभी महत्वपूर्ण यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पास हो जाओगे, बल्कि 90% भी ले आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, इनसे अलग नहीं आएगा, इनको कर लीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यह है यूनिट नंबर दो जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। ये फिजिक्स की है, वेक्टर कैलकुलस याद रखिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये मत देखो कि ये मेरठ में आया 2008 में, क्योंकि ये जो मॉडल है, जो मेरे पास ये बुक है, ये बहुत पुरानी बुक है। ठीक है, लेकिन ये अब कई बार आ चुका है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, ये ए क्या है, एक आपका अदिश है, यानी कि एक आपका एक वेक्टर है। ठीक है ना, अदिश वेक्टर। ठीक, और टी का एक अवकलन फलन इस तरह से आपको दे रखा है। कुल मिलाकर बात ये, इस चीज को भूल जाओ, आप सीधे इस चीज को भूल जाओ, इसको कुछ याद ही मत रखो। सीधे क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करो, या क्वेश्चन कहेगा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी ए अपॉन डी ए वेक्टर अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करा रहा है। ठीक है, क्या सिद्ध करा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा देखिए, ये मिस्टेक लिखी हुई है यहां पर। ये आपको सिद्ध क्या करना है, ये देखिएगा, इसको ही मैं हटा दे रहा हूं यहां पर। ये देखिए, ये चीज आपको सिद्ध करनी है यहां पर। क्या चीज सिद्ध करनी है, ए स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर ए वेक्टर अपॉन डी टी का स्क्वेयर, ये बराबर आपको ये चीज प्रूफ करनी है। बात समझ में आ गई, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना चाहो तो ये है यहां पर, और बाकी ये मैंने कराया भी है। अगला अगला देखिएगा, इनमें से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक की प्रैक्टिस कर लेना। ये इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो इसको। ठीक है, बस आगे देखिएगा, आगे आ जाता है ये वाला, ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ए बराबर इतना है तो ये डी ए अपॉन डी टी वैक्टर निकालना है, डी टू स्क्वेयर बढ़ते ये निकालना है, इसका मॉड निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, छोटा मोटा इसका देखिए सॉल्यूशन यहां पर भी दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा आगे की हम बात करते हैं। ये देखिएगा, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। जो वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको पहले करिएगा, इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको उसके बाद करिएगा, जिनको प्रैक्टिस के लिए उनको करो मत करो लेकिन कर लेना। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर एक नियतांक सदिश है, यानी कि कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली आपका कराया था। एक्सरसाइज में ना देख पाओ उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो ये वाला यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा था। और बाकी देखिएगा, आप लोग कह रहे थे सर इनका सॉल्यूशन भी हमको दे दीजिए। देखिए, सॉल्यूशन मैंने कहीं पर बना नहीं रखा है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है ना, अभी वीडियो बनाकर कराऊंगा। अब ऐसा समझ लीजिएगा आपका कि आपकी दोनों को मिलाकर 10 यूनिट लगभग बैठ रही हैं, 10 चैप्टर हैं पूरी फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर की में, तो एक एक करके 10 वीडियो, जिसमें से दूसरा वीडियो ये आ गया। अब थोड़ा सा और ज्यादा मैं कोशिश करूंगा तो दूसरा और तीसरा यूनिट है, उन दोनों के क्वेश्चंस को मैं एक बार में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, फिर
न्यूटोनियन मैकेनिक्स के क्वेश्चंस रह जाएंगे, उनको मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो आपको ये ज्ञात करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकालो, फिर उसका अवकलन आप कर दीजिए, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, फिर उसका आप अवकलन कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि ए वेक्टर बराबर इतना है, ये आपको क्या क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, लिमिट वन से टू दे रखी है, ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू, और यहां पर क्या करना है डी टी, ठीक है ना, ये आपको सिद्ध करना है, बात समझ रहे हो। यहां पर आपका क्या दे रखा है ऐसे, और फिर इसका भी समाकलन करना है इस तरह से, ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7.5 नंबर में ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर लिख नहीं रहा है, कई बार ये आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हमने ऊपर बताया था, हाँ ये देखिएगा, दूसरा वाला हम बता चुके हैं, दूसरा तीसरा, तो ये देखिएगा, ये दोबारा से आ गया है, ये ऊपर दे रखा है, ऊपर हमने बताया था। चलिए आगे देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये चौथा वाला, ये देखिए, मेरठ यूनिवर्सिटी में तो लगातार ये आया ही आया है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में और ये आया है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं, ये देखिएगा, ये आपका सैंपल पेपर में भी दे रखा था, जो कल हमने सैंपल पेपर स्टडी किया था, कैसे टाइप का था, फाइव बराबर इतना दे रखा है, तो इतने पर बिंदु इतने पर ग्रेड फाइव निकालना है, ग्रेड फाइव निकालना है, ग्रेड फाइव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ग्रेडियंट, ठीक है, और फाई निकालना है आपको, ये चीज ज्ञात करनी है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला फाई बराबर इतना दे रखा है, तो प्रश्न इतने बिंदु पर अवकलन और इतने बिंदु पर इतने का अवकलन ज्ञात करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दोनों को अवकलन निकालना है। अगला ये देखिएगा, इसको कर लीजिए, हाँ ये देखिए, इस वाले को वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये देखिएगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको कुछ करिए या मत करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चलो इसको भी कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, और इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। आगे देखिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आर वेक्टर बराबर दे रखा है, वेरी इंपोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, आर वेक्टर, ये स्थिति सदिश इतना दे रखा है, तो ग्रेड इतना निकालिए, ग्रेड इतना निकालिए, डाइवर्जेंस इतना निकालिए, कर्ल इतना निकालिए, सब चीज कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है, तो ये चीज घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अगला ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा, ठीक है, जहां पर आर वेक्टर आपका स्थिति सदिश है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा भी कई बार कई पेपरों में देखा गया है ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने की कहीं पर जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब आते ही कुछ थ्योरी वाले प्रश्नों की तरफ, ठीक है, ये देखिएगा, ये सभी लघु प्रश्न है, यानी कि 2.5 और 3.5 नंबर वाले, या तो 2.5 नंबर में आएगा या 3.5 नंबर में आएगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 में से कौन कौन से करने, जिन पर मैं टिक लगाऊंगा वो करने ही करने हैं, इंपोर्टेंट है। यह है, एक सदिश के अवकलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, एक सदिश के आंशिक अवकलन से आप क्या समझते हो, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। अदिश क्षेत्र क्या होता है, सदिश क्षेत्र क्या होता है, बिंदु के ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषा आपको जरूर पता रहनी चाहिए, ठीक है ना, इसको मत करिएगा, ठीक है। ये ऑपरेटर, ऑपरेटर डेल, ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, हमने आपको पढ़ाया था ऑपरेटर डेल, ऑपरेटर डेल, व्हाट इज द ऑपरेटर डेल, ये आपको पता रहना चाहिए। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, कार्तीय पलों में हमको ये दोनों, ये क्वेश्चन दोनों एक हैं, इसलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, इसको आप कर लीजिएगा। सदिश क्षेत्र के समाकलन से आप क्या समझते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको भी करने की कोई जरूरत नहीं है,
रेखीय समाकलन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, पृष्ठीय समाकलन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर ये शॉर्ट में नहीं करना है, ये शॉर्ट में नहीं करना है, ये शॉर्ट में नहीं करना है, ये शॉर्ट बाकी नहीं करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लॉन्ग में दे रखी हैं, जो कहते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये देखिएगा, ये दीर्घ में क्वेश्चन है आपका, एक सदिश के व्युत्पन्न से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये आपको सिद्ध करना है, ये आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदिश और सदिश क्षेत्र क्या है, उचित उदाहरण देकर आपको समझाना है, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। चलिएगा, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, ये ऊपर वाला ही पेज है, दोबारा आ गया है, इस पर नहीं, ठीक है, ध्यान देना है। चलिएगा, ये चीज मैं आपको बता, सदिश के डाइवर्जेंस से आप क्या समझते हो, तो इसलिए इनमें कुछ ज्यादा दिमाग खोरी नहीं करनी है, सीधे सीधे आते हैं, ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखिएगा, ये उदाहरण सहित आपको बताना है, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, आयतन समाकलन, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बता दिया है, यानी कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चनों में परिभाषा आपको याद कर लेनी है केवल, लॉन्ग क्वेश्चन में इससे आपको ये तो सवाल और ये सवाल, ठीक है, और ये सवाल, तीनों थ्योरम मैंने कराई है, तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगी, यानी कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से तो चाहे भैया आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये तो आपको तीनों की तीनों थ्योरम, इनका थ्योरम क्या है और उसको सिद्ध कीजिए, थ्योरम लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में 100% देखने को मिलेगी, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा, कर लीजिए दिमाग को बिल्कुल, ये बता दो ये क्वेश्चन तो आ गया, 100% आपको पेपर में दे दिया है, ठीक है। आगे ये बराबर, ये प्रूफ करना है आपको, ये बराबर इतना और ये बराबर इतना, तो इन दोनों को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ए वेक्टर ऐसा दे रखा है ये, ठीक है। चलिएगा आगे, ये देखिएगा, ये आपको सिद्ध करवाएगा डाइवर्जेंस, ग्रेड फाइव बराबर इतना, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ करा रखी हैं, तो ये कर लेने हैं, ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये कुछ आंकिक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, क्या है, प्रैक्टिस के लिए, बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस कर लेनी है इससे, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टाइप के पूछ लेता है निकालने के लिए, देखिए मेरठ यूनिवर्सिटी में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसी तरीके हैं, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आने की संभावना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ए बराबर इतना दे रखा है, तो ये ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है केवल, ठीक है, कर लेने हैं, आपको समझ में आ गई चीजें। आगे देखिएगा, यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा, ए वेक्टर बराबर इतना दे रखा है, तो इतने पर डाइवर्जेंस ए और कर्ल ए, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये घूर्णी वेक्टर है, तो एबीसी के मान निकालने, तो इसको भी कर लीजिएगा, बस बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। निम्न के कर्ल का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये इसका मतलब निम्न के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना, इन दोनों को भी प्रैक्टिस के तौर पर आप कर लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि ये आपको डाइवर्जेंस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे निकालना है, इसका मतलब कर्ल आर वेक्टर, हालांकि ये चीज मैंने ऊपर भी आपको बताई है, कर्ल आर वेक्टर किस तरीके से आपको निकालना है, देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर आया था ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, इसका मतलब ये जो डेल ऑपरेटर है तो ये कर्ल है, यहाँ पर देखिएगा कर्ल ए वेक्टर है, ये देखिए ग्रेडियंट है, इसी तरीके से आपको मैंने कई जगह ये दिया है ऐसा क्वेश्चन कि कर्ल ए बराबर, ये देखिएगा यहाँ पर प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से थे ना, आर अपन आर डाइवर्जेंस, ये देखिएगा ये ग्रेड आ गया, ये डाइवर्जेंस आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आपको दे रखे हैं, तो ये कर लीजिए, देखो ये यहाँ पर कर्ल ए वेक्टर आ गया, ऐसे ही वहां पर कर्ल आर वेक्टर है, कर्ल आपका आर वेक्टर है, और आर वेक्टर बराबर क्या होता है, स्थिति सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको ये कर लेने, जितने भी मैंने टिक लगाए हैं क्वेश्चन वो आपको करने ही करने हैं, इन पर कोई कुताही मत करना। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
अभी और क्वेश्चन रह गए, अभी इतना ही नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था तो वहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के तौर पर इसको कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आर की पावर एन की प्रवणता आपको निकालनी है। प्रवणता का मतलब ग्रेड, ग्रेड ग्रेड आर की पावर एन निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, ठीक है, ये सिद्ध करना है कि ये बल संरक्षित है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। ये प्रूव दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, कैसे प्रूव करोगे, तो इसका कर्ल जीरो आना चाहिए, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन है, इसका डाइवर्जेंस ये निकालना है इस तरीके से, ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन, आगे आगे एक ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक, आगे देखिएगा, एक इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, जितने भी मैं बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी कोई आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस बात खत्म। ये जो जितने पेंटिक लगाए हैं सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बात समझ में आ गई। बस यूनिट 2 से यही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं, आप हमारा प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, पूरा मैंने जो पढ़ाया था वो आप देख लीजिएगा, सारे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।